देखिए दोस्तों कैसे भाग के आते हैं। ये सुबह सुबह बकरियां और गाय बाहर निकाल चुके हैं। ये देखिए एक और हरामी है, देखो ऊपर भाग गया। देखिए ये देखिए देखिए ऐसे भागते हैं पहाड़ों में। ये देखिए कहाँ गया, देखिए ये कहाँ भाग रहा है। ये लोग यहीं पर रुके हैं, देखिए। तो कुछ बकरियां बहुत हरामी होती हैं, ये देखिए। और ये हमारी गाय वगैरह होगी साइड। ये देखिए अभी बज रहे हैं, हिना का तो रेशमा का तो टाइम है 7:30 हो रहा है। ये देखिए आप, सूर्य भी आने वाला ही है। और ये आजकल हमारी गांव में खेती भी दिखेगी आपको। ये देखिए प्याज के पौध दिखाते हैं आपको। ये देखिए प्याज के पौध। और ये हमारा नीचे वाला घर, पुराना घर है ये। और ये देखिए आप देख, देख, देख। अरे वो आएगा नहीं जब तक उस पर। ये देखिए आप, तो ये निकाल चुके हैं हम लोग। थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। इस साइड में भी भाई लोगों का ये घर है, ये दिखाते हैं आपको। ऐसे गांव ऐसे होते हैं। देखिए ये गौशाला है नीचे साइड में, ये ऊपर घर है। इस टाइप के गांव में घर होते हैं पहाड़ों में। कुछ खेतों में अभी हल नहीं लगा तो कुछ में सब्जियां भी हो रही हैं। ये देखिए आप, और ये छतों पे आपको घास दिखाई दे रही होगी। जैसे ही बरसात होती है इस घास को फिर गायों को डालते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं धनवीर आप सभी का फिर से एक नई शाम में स्वागत है। आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं यहाँ पहाड़ों में कैसे लोग रहते हैं। आजकल सर्दियाँ हैं तो कैसे यहाँ पे, सर्दियों में माना जाता है कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। दोस्तों देखो ये जल चुकी है आग। दोस्तों ये शाम की चाय आ चुकी है और हम लेते हैं चाय का आनंद। दोस्तों हम ले लें रेवड़ी का आनंद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी हम ऋषिकेश से लेके आए, क्योंकि गाँव में ये चीज़ें सब मिलती नहीं है। आग जल रही हो, और शर्मा जी रेवड़ी 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 तो ये बहुत ही अच्छी गचक वाली होती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं, स्वादिष्ट। तो दोस्तों ये देखिए इधर शर्मा जी बैठे हुए हैं, इधर हीना है, इधर सचिन, और इधर है रेशमा। बेटा कुछ काम वाम भी कर लो, खाने का टाइम हो गया। तो दोस्तों ये देखिए ये जल रही है आग। तो ये है गांव की लाइफ दोस्तों। दोस्तों ये बनने जा रही है आज मछियाँ, और ये देखिए आज बनेगी इनकी बहुत ही अच्छी दावत होगी मच्छियों की आज। ये देखिए आप, ये देखो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं धनवीर उत्तराखंड पहाड़ से ऋषिकेश साइड से, और मैं दिखाने जा रहा हूँ आज आपको अपना ये जंगल, और कुछ कहानियाँ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो कि हमारी पहले की दादाओं के टाइम की थी, हमारे पिताजियों के टाइम की थी। अब तो मैं ऋषिकेश में रहता हूँ, छोटा सा स्टॉल है वहीं पर अपना चलता है, बट मैं जब भी घर आता हूँ तो इन खूबसूरत पहाड़ों में बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि पहले के लोग पहाड़ों में क्या करते थे और कहाँ से खाना पीना आता था, कैसे ये लोग अपना जीवन यहाँ पे यापन करते थे, यानी कि अपने जीवन कैसे यहाँ पे काटते थे। दोस्तों फिर से सफ़र शुरू हो गया है घर से ऋषिकेश जाने का, और घर से ऋषिकेश की जो दूरी है वो है 2.5 से 3 किलोमीटर, समथिंग 3 किलोमीटर ये कुछ रास्ते 3 किलोमीटर होते हुए जाते हैं, तो कुछ जाते हैं 2.5 किलोमीटर होते हुए। तो फिलहाल मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ ये है हमारा 2.5 किलोमीटर का, और आप मेरे पीछे जंगल देख रहे होंगे, ऐसे ही जंगलों से जाया जाता है। ये मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ पहाड़ों के रास्ते ऐसे होते हैं। बहुत सारे लोग शहरों से वीडियो देखते हैं तो मालूम नहीं पड़ पाता कि पहाड़ों में रास्ते कैसे होते हैं। दोस्तों ये होते हैं पहाड़ों के रास्ते, देखिए आप, हर ऐसे जंगल होते हैं पहाड़ों में। कहीं भी जब गाँव में घर होते हैं तो उनके वहाँ जाने के लिए, वहाँ से आने के लिए जंगल तो बिल्कुल पड़ते ही पड़ते हैं। ये देखिए आप, इन पे पैदल ही जाया जाता है, ना यहाँ पे मोटरसाइकिल चल पाती है तो ना कोई गाड़ियाँ। तो दोस्तों ये देखिए उत्तराखंड पहाड़, और मैं हूँ ऋषिकेश नीलकंठ के नज़दीक से, और आप देख रहे हैं ये सुंदर खूबसूरत पहाड़। सुबह के बज चुके हैं 10, और दोस्तों किसी ज़माने में यहाँ पे लोग ना खेती किया करते थे, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले।
तब ये पेड़ नहीं हुआ करते थे यहाँ पे, तब लोगों का जो जीवन था वो खेती पे ही निर्भर होता था। बट आप देख रहे होंगे हर जगह घास ही घास हो गई है, पहाड़ों में लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ दी है, बस आप शहर में जाते हैं और नौकरी करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, वहीं से अपना घर चलाते हैं। तो ये सारे जो खेत थे सारे ख़त्म हो गए। 40 साल 50 साल पहले यहाँ पे अच्छे खासे खेत देखने को मिलते थे। ये देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, ये आम का पेड़ दिख रहा है बीच में, ये वाला काला वाला, तो ये आम के पेड़ उन लोगों ने लगा रखे हैं। तो ज़मीन के आसपास खेतों के आसपास आम का पेड़ होता था, तो उससे क्या होता था कि लोग काम भी करते थे खेतों में और आम भी खाते थे कच्चे से लेके पके तक। कि यहाँ के लोग पहले पहाड़ों में कैसे रहते थे, जबकि पहाड़ों में आज के टाइम भी कोई सुविधाएं नहीं है, ना सड़क है, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बिजलियाँ भी नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी नहीं है, जबकि पहाड़ों में पानी होता है, बट जो ऊपर हाइट पे पहाड़ होते हैं वहाँ पे पानी नहीं होता है, वो एक बहुत बड़ी समस्या। तो दोस्तों करते हैं कहानी को शुरू। तो पहले के लोग क्या होते थे कि दोस्तों मुझे रास्ता भी देखना पड़ता है और आप लोगों से बात भी करनी होती है, क्योंकि रास्ता नहीं देखूंगा तो मैं गिरी जाऊंगा। तो दोस्तों जो पहले के लोग होते थे वो सभी लोग खेती करते थे, सबके पास गाय भैंस बकरी और बैल होते थे। बैल तो हर किसी के घर में होते थे, क्योंकि बिना बैल के तो खेती कर नहीं सकते, इसलिए बैल सबके घर में होते थे। और बाकी ज़मीन को खोदने वाले हल होते थे। जो पहले के लोग होते थे वो सुबह से शाम तक खेतों में ही रहते थे, नौकरी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, न उनको नौकरी के बारे में ज़्यादा जानकारी थी, न उनको मालूम था। तो पहले होती भी थी तो सरकारी नौकरियों के बारे में जानते थे। कुछ लोग अभी भी हैं जो पुराने लोग, सर थोड़े बहुत पढ़ लिए, दो तीन पास कर लिया किसी ने तो उसकी सरकारी नौकरी लग जाती थी, बट लोग डरते थे नौकरी करने में। तो लोग सभी पहाड़ों के लोग खेती बाड़ी ही करते थे और पूरे दिन अपने खेत में रहते थे। खेती में इतनी खेती होती थी कि कुछ भी खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ लाना पड़ता था तो वो होता था नमक। तो दोस्तों बता देते हैं कि क्यों नमक ही लाते थे और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। खाने में जितने भी अनाज होते हैं सारी खेती पर होते थे, गेहूँ चावल बाजरा आपका झोंगरा हो गया कोदा हो गया जो पहाड़ी व्यंजन है, ये सारी चीज़ें हो जाती थी। और जितनी भी दालें हैं ये सारी दालें खेतों में ही हो जाती थी। और हल्दी हो गया हमारा, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, जो मसालेदार चीज़ें हैं ये भी सारी घर पे ही हो जाती थी, इसलिए लोगों को ज़रूरत नहीं थी शहर में जाने की। दोस्तों आप जो ये नहर देख रहे हैं, कभी ये नहर गांवों के लिए जीवनदान होती थी, इन नहरों से ही धान खेती वाड़ियाँ सारी होती थी। मगर ये इतनी पुरानी नहर है, 100 साल से भी ऊपर पुरानी नहर है, मगर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इस नहर पे आज पानी नहीं है और ख़त्म हो चुकी है। पहले ज़माने में क्या था कि लोग लाइट नहीं होती थी तो चिमनियाँ होती थी घरों के अंदर, तो केरोसिन से जो मिट्टी का तेल होता उससे चिमनियाँ जलती थी, सभी बच्चे उसमें पढ़ते थे। और जिस त्यौहार तब होता था गाँव के अंदर जब जून आती है, यानी कि चंद्रमा आता है। आज के डेट में चंद्रमा आता तो कोई आसमान में देखता नहीं, पहले के लोग इंतज़ार करते थे, दिन हर दिन गिनते थे कि चंद्रमा कब निकलेगा, 15 दिन चंद्रमा निकलेगा, 15 दिन रहे डूबा रहेगा। तो वो त्यौहार के दिन होते थे, लोग खेलते थे रात को भी, घूमते थे, बहुत सारे काम रात को भी करते थे। तो सारी चीज़ें थी, पहले लोग धान को उखरियों में कूटते थे, गेहूँ को छोटी छोटी चक्कियों में पीसते थे हाथ की चक्कियों में, अब तो बड़ी बड़ी चक्कियाँ हो गई, मशीन हो गई। तो लोग उतने ही सुबह 4 बजे उठ जाते थे, धान कूटते थे, गेहूँ पीसते थे, तब जाके खाना बनता था। तो और घी का दूध का बहुत ज़्यादा सेवन करते थे लोग, तभी तो वो लोग 100-100 साल 150-150 साल वो लोग जीते थे। दोस्तों ये नेचर देखिए आप, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, ये पेड़ पौधे देखिए, एकदम शांति पीसफुल। ये देखिए आप कितनी अच्छी जगह है, ये यहाँ से जाने का मन नहीं करता पर क्या करें, मजबूरी हैं और कुछ शौक इस तरीके के हो गए कि अब पैसे नहीं होंगे तो हम लोग ठीक से चल नहीं पाएंगे, अब कुछ आदतें ऐसी ख़राब कर दी, बिना पैसे का कुछ भी नहीं हो सकता, तो अब मजबूरियाँ हैं शहरों में काम करना। तो दोस्तों मैं आज की बात करूँ तो जो भी सामान हमारे यहाँ से मार्केट से आता है, हमको 2.5 या 3 किलोमीटर उसको
पैदल कंधे पे रख के ले जाना ही ले जाना है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे रोड नहीं है। तो आज भी है पर, और मैं सीधा 60 साल पहले की बात करूँ तो लोग ऋषिकेश से यानी कि 35 किलोमीटर दूर से राशन लाते थे। हमारे पापा लोग बताते हैं कि हम गुड़ लाते थे वहाँ से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बाज़ार से लाना पड़ता है, वो सामान 35-35, 40-40 किलोमीटर दूर, 60-60 किलोमीटर दूर चल के लाते थे दोस्तों। तो दोस्तों मैं नहर को अलविदा बोलता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से अब दूसरे रास्ते पर जाऊँगा, नहर छूट जाएगी। आपको दोस्तों ये वीडियोस पसंद आती हैं ये पहाड़ों की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप चैनल पे नए हैं पुराने हैं तो थैंक यू सो मच, आप टाइम देते हैं मेरी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे देखिए ये जंगल है, और जंगल में ऐसे लगाते हैं, भगवान की दया से यहाँ पे चोरी चकोरी नहीं होती है, आपकी चीज़ें सेफ रहती हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग गाड़ी लगा देते हैं, और ये सामने ये रोड है नीचे, और यहाँ पे ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। इस साइड में ये प्लॉट है किसी का, ये देखिए दोस्तों। तो मैं तो पहुँच चुका हूँ दोस्तों, फाइनली ये सफ़र शुरू हो गया है, और मैं कुछ नज़ारे आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों ये है हयोन नदी, इसमें बहुत पहले हम खूब सारी मच्छियाँ मारने आते थे। ये हमारी यहाँ की नदियाँ हैं, देखिए ऐसे वाली सड़कें, और जी ये तो ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों खूबसूरत पहाड़। दोस्तों आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे फील होता है कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। दोस्तों आपको इसी तरह की पहाड़ों की वीडियो देखनी है, गाँव देखना है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नए हैं और पुराने हैं तो थैंक यू सो मच, दिल से आप मौका निकालते हैं, टाइम निकालते हैं मुझे देखने के लिए, थैंक यू सो मच।